आखिर क्यों इन पेड़ों पर लाल और सफेद रंग की पट्टियां लगाई जाती है और क्यों छोटे बच्चे पैदा होने के बाद उनके सिर के बाल उतारा दिया जाता है। और थाईलैंड के महारानी पानी में डूबकर मर गई थी जब उनके नौकर उन्हें डूबते हुए देख रही थी। और क्यों इस रोड पर लोग अपने कार को छोड़कर घर चले गए थे। और एक ऐसा आदमी जिनकी अधिक सुंदरता की वजह से उन्हें देश से निकाल दिया गया था। और एक कंकाल सुबह भर बैठकर टीवी देख रही थी जो 3 साल पहले ही मर चुकी थी। और एक ऐसा गांव जहां की सभी लोग बिना कपड़े पहने घूमते हैं। और एक आदमी का फोन पानी में खो जाने की 1 साल बाद मिला जो ठीक ठाक तरीकों से चल रही थी। आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी के बारे में, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक बने रहे। फैक्ट नंबर 21, बिहार के साहेबपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही ट्रेन की खिड़की में हाथ डालकर एक चोर ने ट्रेन की एक यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश की। अभी उस ट्रेन यात्री ने उस चोर को ऐसा सबक सिखाया वो चोर जिंदगी भर याद रखेगी। मोबाइल छीनते समय तभी उस यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ट्रेन के बाहर ही लटकाकर 15 किलोमीटर दूर अगले स्टेशन तक ले गई, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हो। इसे कहते हैं लेने के देने पर जाना। नंबर 20, हाल ही में बीजेपी के एक महाराष्ट्र में रहने वाले एक महिला और मोर्चा के अध्यक्ष चित्रा वाघ ने मॉडल उर्फी जावेद के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। उन्होंने उर्फी पर मुंबई की सड़कों पर शरीर का प्रदर्शन करने का आरोप लगवाया। इस पर उर्फी जावेद ने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ अगर आप अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की जायदाद का खुलासा कर दे तो, और दुनिया को बताए कि एक नेता कितना और कहां से कमाता है। नंबर 19, आपको एक दिल दहलाने वाली चीज दिखाता हूँ। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसमें एक जानवर का कंकाल जो इन चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है। सिर्फ एक पल के लिए खुद को इस जीप की जगह सोचिए, कैसे बिना पानी और बिना खाने के ना जाने कितनों दिनों तक इस जगह पर तड़पा और कितने दिनों में इसके प्राण निकाले होंगे। नंबर 18, हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार बालों में हमारी याददाश्त और याद सुरक्षित रहती है, इसीलिए बच्चे जन्म के बाद बालों में पिछले जन्म की यादें सुरक्षित ना रहे इसीलिए इन्हें हटाने के लिए बच्चे के सिर के सभी बाल उतारकर उसकी सभी यादें मिटा दिया जाता है। नंबर 17, अगर आप ध्यान दिया है तो मिंत्रा की पुराने लोगो कुछ इस प्रकार था और अब कुछ इस प्रकार है। इस लोगो के बदलाव के पीछे सिर्फ एक महिला का हाथ थी। दरअसल मुंबई साइबर सेल में नाज पटेल नाम की एक महिला ने मिंत्रा के लोगो को महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बताते हुए एक केस दर्ज किया था, जिसके बाद कंपनी ने मुंबई पुलिस के साथ बातचीत करके अब अपने वेबसाइट और एप्लीकेशन के अलावा पैकिंग मटेरियल पर भी लोगों में बदलाव कर दिया है। नंबर 16, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जब एक सवाल पूछा गया और उन्होंने जो आंसर दिया सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा हॉलीवुड अभिनेता विन डीजल के चेहरे से काफी मिलता जुलता दिखाई देती है। जब योगी जी से एक न्यूज शो में इस तुलना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने 25 सालों से कोई मूवी ही नहीं देखी। नंबर 15, 880 के समय में थाईलैंड के महारानी पानी में डूबकर मर गई थी और गजब की बात तो ये है कि उनके नौकर उन्हें डूबते हुए देख रहे थे और उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की। इसके पीछे का वजह है उन नौकरों को महारानी को छूने की इजाजत नहीं थी। मतलब सच में एक छोटी सी चीज के लिए अपना जान गंवाना पड़ा। अगर इस जगह पर आप होते तो आप क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 14, जर्मन में जब एक बार सरकार ने पेट्रोल का दाम बढ़ाया थे तो एक घंटे के अंदर ही वहाँ की आम जनता सभी ने अपना अपना कार रोड पर छोड़कर घर चले गए। 10 लाख से भी ज्यादा कार रोड पर खड़ी देखकर सरकार को पेट्रोल की दाम घटाना ही पड़े, वहाँ के लोगों को दाद देनी पड़ेगी इस काम के लिए। नंबर 13, फोर्ड कंपनी ने एक परफ्यूम बनाया है जो कि पेट्रोल जैसी सुगंध देता है, जिस परफ्यूम का नाम फोर्ड मस्टैंग मैचेउ रखा गया है। जो परफ्यूम इलेक्ट्रिक कार चालक के लिए बनाया गया है जो पेट्रोल की खुशबू बहुत ही मिस करते हैं उन लोगों के लिए, जिसकी 100 ml बोतल की कीमत लगभग 2 से 3 हजार रुपए के आसपास है। मतलब कुछ भी, इसमें तो एक बाइक का फुल टैंक पेट्रोल हो जाएगा। नंबर 12, एक ऐसा आदमी जिसकी ज्यादा खूबसूरती उनके लिए श्राप बन गई है जिसके कारण उन्हें अपने देश से निकाला दिया गया। इनसे मिलिए, इनका नाम उमर बोरकान अलगला जो सऊदी में रहने वाली थी। उमर बोरकान को की खूबसूरती और सुंदरता की वजह से वहाँ की ज्यादातर महिला उनकी तरफ आकर्षित होता है बाकी पुरुषों की तुलना में। वहाँ की प्रशासन ये देखते हुए कि बाकी पुरुषों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए उन्हें देश से निकाल दिया गया। फिलहाल अभी वो कनाडा में रह रही है। नंबर 11, पूरी दुनिया में न्यूज प्रिंट आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। स्पेन ही एक ऐसा देश है जहाँ पर न्यूज प्रिंट पेपर में नहीं बल्कि कपड़ों में प्रिंट करते हुए देखने को मिल जाएगा, जो सदियों से चली आ रही है। स्पेन में बोले जाने वाली भाषाएं कैंटिलियन, स्पेनिश, कैटलॉन, गैलिसियन और बास्क है, जो वहाँ की कुल आबादी में से 2% लोगों द्वारा बोली जाती है। नंबर 10, लंदन में एक घटना घटी जिसे सुनकर आपकी दिमाग हिल जाएगी। दरअसल 25 जनवरी साल 2006 में हाउसिंग अधिकारियों ने किराया बकाया होने के कारण एक घर में गई थी। जब वहाँ पर पहुँचा तब उनके पाँव तले जमीन खिसक गई थी। उन्होंने देखा कि एक कंकाल सोफे पर बैठी है और उनके सामने टीवी चल रही है। जांच करने पर पता चला वो 3 साल पहले
पहले ही मर चुकी थी और वो कंकाल जॉयस कैरन विंसेंट नाम की एक महिला का है और अभी भी उनका मृत्यु का कारण एक रहस्य है। नंबर 9, एक गलतफहमी है जिसे हम सच मानते चले आ रहे हैं, जो कि मोबाइल के टावर के पास रहते हो तो उनका नेटवर्क अच्छा रहता है, जो बात एकदम गलत है। आपका मोबाइल टावर के पास जितना होगा और जो मोबाइल टावर से दूर है उनके मुकाबले कम सिग्नल होगी और जो मोबाइल दूर है उनके सिग्नल अच्छे होगी टावर के पास रहने वाले मोबाइल के मुकाबले। नंबर 8, आपने ध्यान दिया होगा कि सड़क के पास जो पेड़ होते हैं उन पर कुछ इस तरह का लाल और सफेद रंग की पट्टियां लगाई जाती है। ऐसा इसलिए कि रात के अंधेरे में या फिर धुंध के समय ड्राइवर को सड़क के किनारे साफ दिखाई नहीं देती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। सफेद पट्टियां रात के अंधेरे में दूर से ही साफ दिखाई देती है और ड्राइवर सावधान हो जाती है। नंबर 7, अभी आप तस्वीर में देख रहे हो वो एक पत्थर का टुकड़ा है जिसका कीमत लगभग 19 करोड़ रुपए है, लेकिन उस 13.5 किलो की पत्थर में ऐसा क्या खास बात है जिसके वजह से उसकी कीमत इतना है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो पत्थर चांद का एक टुकड़ा है जिसकी नीलामी ब्रिटेन में हुआ है और इस पत्थर को अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में पाया गया और वैज्ञानिकों ने उसका नाम दिया था NWA 12691। नंबर 6, रेगिस्तान में जहाँ पर ऊंट ज्यादा पाले जाते हैं इसके पीछे 2 वजह है। एक तो ऊंट बहुत दिनों तक पानी ना पीते हुए भी जिंदा रह सकते हैं, इसके बारे में तो सभी को पता है। जो दूसरा वजह है ये सभी को नहीं पता। दूसरा वजह है कि वहाँ के लोगों ऊंट के दूध पीते हैं और ऊंट के दूध की खास बात तो ये है वो बहुत ही अधिक तापमान यानी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर भी पूरे 7 दिन तक खराब नहीं होते हैं। नंबर 5, साल 2015 में ऑस्ट्रिया में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक सेलफोन जैसा चीज मिली थी जो सेलफोन चमड़े से बनाया गया था। हैरान करने वाली बात तो यह है, कार्बन डेटिंग से जब उसकी जांच की गई तब पता चला कि वो सेलफोन करीब 1300 साल पुराना है, जबकि सेलफोन का आविष्कार 80 के दशक में हुआ था। सवाल ये है, चमड़े की सेलफोन डिजाइन वो चीज उस समय बनी कैसे? नंबर 4, कुत्ते क्यों इतना वफादार होती है, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा? इसके पीछे का कारण यह है कि कुत्ते में भी एक ही हार्मोन होती है, वो भी उसी रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं जो कि इंसान इमोशनल हालातों के दौरान करती है। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, जो इंसान दूसरे के लिए प्यार महसूस करने के साथ शामिल होता है, इसलिए कुत्ता इंसान के प्रति भावनात्मक रूप से वफादार होती है। नंबर 3, 29 अक्टूबर साल 2013 में नीदरलैंड में एक हादसा हुआ जिसे सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पाओगे। दरअसल 19 साल और 21 साल की 2 इंजीनियर्स ने एक विंड टरबाइन का देखभाल कर रही थी, अचानक उस टरबाइन पर आग लग जाती है। जिस समय वो दोनों टरबाइन के ऊपर मौजूद थे वो दोनों इंजीनियर समझ चुके थे कि वो नहीं बच पाएंगे। तब वो दोनों अपने जीवन के आखिरी पलों में एक दूसरे को गले लगाते हुए जिस फोटो को वन लास्ट हग नाम से जाना जाता है। नंबर 2, यूके में हार्टफोर्ड शहर में स्पिल प्लाटोज नाम के एक गांव है जहां के लोग बिना कपड़ों में घूमती है। वहां के लोगों का मानना है कि भगवान ने बिना कपड़ों के लोगों को भेजा है, ऐसे में दिखावट के लिए कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है, उनका मानना सही है या फिर गलत? आखिरी फैक्ट जानने से पहले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना ऐसे ही नए नए फैक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नंबर 1, ताइवान में एक इंसिडेंट हुआ जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। ताइवान में एक आदमी का आईफोन 11 एक झील पर गिर गई थी। कमाल की बात तो ये है, ठीक एक साल बाद झील सूख जाने पर उसे अपना फोन दोबारा मिल गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक साल फोन पानी में रहने के बाद भी उसका फोन चार्ज करते ही नॉर्मली चलने लगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में ऐसे अजीब फैक्ट के साथ। और हाँ, कौन सी फैक्ट आपको अच्छा लगा ये कमेंट में लिखना मत भूलना।